आदाब। मंगलवार को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में जो इजलास हुआ, जिसमें इंडोनेशिया हिंदुस्तान के उलेमा इकराम आए, सभी धर्म के लोग आए, उसके बारे में बात करेंगे इस चर्चा में। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी आशा खोसा, मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, असगर हाशमी साहब। सीधे बात करते हैं आशा जी से। आशा जी, एक अच्छी बात यह रही इस पूरी जो इजलास, जो एक तरह से कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें सभी धर्म के लोग मौजूद थे, ना सिर्फ उलेमा यानी कि जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स होते हैं, उसके अलावा भी सभी लोग मौजूद थे। तो एक बहुत ही पॉजिटिव फॉरवर्ड मूवमेंट जिसको कह सकते हैं वो था। ये मेरे ख्याल से ये पहली बार मैंने देखा कि बायलैटरल या विश्व स्तर पर कभी धर्म को लेके, धर्म और उसका जो इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे, नेशनल सिक्योरिटी पे, उस पर एक दो देशों के बीच में उन लोगों के बारे बीच में चर्चा हुई जो बहुत ज़्यादा पॉलिसी में आते नहीं हैं, उनके पॉलिसी में उनकी इंटरफेरेंस होती नहीं है। तो और ये कदम जो है वो एक बहुत टॉप लेवल पे अजीत डोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखते हैं, उनकी सतह पे हुआ। और जो इंडोनेशियन डेलीगेट्स आए थे वो उनका बार बार नाम ले रहे थे कि उन्होंने ये लिया, विच शोज़ कि हमारी पॉलिटिकल विल जो है, जो 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 रिलीजियस लीडर्स हैं उनको पॉलिसी में, उनको नेशनल सिक्योरिटी में, इनको सोसाइटी को चेंज करने में उनका रोल जो है वो अहम माना जा रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है, एक बड़ी इंक्लूसिव सी अप्रोच रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। आशीष साहब, आपसे जानेंगे कि ये जो पूरी कॉन्क्लेव, एक तरह से कॉन्फ्रेंस रही, इसमें जो इंडोनेशिया के मंत्री तो थे ही, और वो बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर हैं, वहाँ पूरी डेलीगेशन साथ में लेकर आए, उनको न्योता दिया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने पिछले साल जब वो वहाँ पर गए थे, और उसी दौरान जब वो यहाँ पर आए थे, वो ये मौके का फ़ायदा उठा के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने पूरा इवेंट का आयोजन किया जिसमें लोग आए। आपको क्या लगता है, क्या टेक अवेज हैं जो वहाँ के उलेमा इकराम थे, नहजतुल उलेमा जो कि दुनिया का बहुत बड़ा उलेमा है, उनका क्या पैगाम था, उनके जो स्पीकर्स थे उनसे क्या समझ में आई उनकी बातचीत से, कि हमें क्या नज़रिया होना चाहिए? देखिए, जब भी इंडोनेशिया की जब जिक्र होता है इंडोनेशिया का, तो हम लोग कहते हैं कि वहाँ फलाने भगवान की मूर्ति होती है, और जो है उनके नोट पे जो है भगवान की तस्वीर छपी होती है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है, बस इस तरह से। और जब हम मुसलमान देश की बात करते हैं तो हम अपने अरब चले जाते हैं, पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। नहीं, पहली बार ऐसा हुआ कि हमने भी बहुत करीब से समझा वहाँ के लोगों की, इस्लाम को उन्होंने किस तरह से मॉडिफाई किया है, ज़िंदगी में उतारा है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि जिससे कन्फ्लिक्ट हो। हमें पता नहीं था कि वहाँ कितने धर्मों के लोग हैं, 100 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हमारे यहाँ भी हर जगह पर कहते हैं कि आर के नारायण ने लिखा था कि हर कदम पे भाषा बदल जाती है, तो वहाँ भी 100 से अधिक भाषाएं हैं। तो ये सब हम लोगों ने बहुत करीब से जाना, और उन्होंने एक बाज़ाब्ता एक मतलब मनज़म इंतज़ाम किया हुआ है, कमेटी बनाई हुई है कि अगर इस तरह से कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो हम वहाँ उनसे मसले को सुलझाएंगे। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुसलमान ही हैं वहाँ, डोमिनेट तो मुसलमान करते हैं, लेकिन सभी धर्मों के लोगों को वहाँ जगह दी गई है उस मसले को सुलझाने के लिए। जो उनका डेलीगेशन आया था उसमें भी उनका ख्याल रखा कि सभी फ़िरके के लोग उसमें शामिल हों, और उन्होंने भी खुल करके लोगों के सामने अपनी बात रखी। बल्कि हमारे यहाँ के जो उलमा थे वो सिर्फ श्रोता थे, मुझे लग रहा था कि शायद बातचीत वो भी करेंगे ताकि यहाँ की बात भी उनके सामने रखी जाएगी। लेकिन वो जो हमने देखा, मैं भी पहली बार, मेरा भी ये अनुभव था पहली बार, एनएसएस साहब का ये जो प्रयास था, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान के लोग इसको सराह रहे हैं। और बाद में जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ तो लोगों ने कहा कि जो प्रयास शुरू हुआ है इसको लंबा चलना चाहिए, और उसके बाद एक दूसरे का इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा करीब से समझ सकें दोनों देशों के कल्चर को। जी जी, बिल्कुल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको बड़ी सिग्निफिकेंट मूव हम कहेंगे वो थी, और ये इनिशिएट किया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल साहब ने। लेकिन फरीद साहब, हिंदुस्तान के भी उलेमा इकराम की हम बात करें तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल करने में उससे लेकर, लेकिन जो उलेमा इंडोनेशिया से आए थे उन्होंने बहुत कई चीज़ें ऐसी बताईं कि ज़रूरत है कि सही इंटरप्रिटेशन जो है इस्लाम का, हालांकि उनकी कुछ चीज़ों से मैं अग्री नहीं करता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि कुरान आप सिर्फ अरबी में ही पढ़िए
और किसी भाषा में उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई जो इस्लाम से इस्लाम को लेकर जो जो चीज़ों के इश्यूज बनते हैं उसको उस मुल्क ने बड़ी अच्छी तरह से रिजॉल्व कर लिया है, चाहे वो कैपिटलिज्म हो या फिर इनकी इकोनॉमी हो या सोशल फैब्रिक हो, सबको उन्होंने इतनी अच्छी तरह एडजस्ट किया, सबको साथ लेकर चलते हैं और ये अडेप्ट किया है वक्त के बदलने के साथ साथ, वो भी बदले हैं। ज़ाहिर बात है इज्तिहाद हुआ है वहाँ पर, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ देखने को नहीं मिली। कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। क्या कहेंगे आदिर साहब? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग आम तौर पर देखते हैं कि जो भी कन्फ्लिक्ट सामने आता है उससे मज़हब जुड़ा रहता है जी। लेकिन कल उनके मिनिस्टर जो थे मोहम्मद महफूज, उन्होंने बड़ी साफ चीज़ कही कि हम मज़हब जो है वो किसी कोई मसला नहीं है, बल्कि मसलों का हल है, मसाइल का हल है, प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं मज़हब से। तो उन्होंने मज़हब की रोशनी में वो रास्ते निकाले जिन पर चल के आप बैलेंस, जिसको कहते हैं दीन और दुनिया दोनों बैलेंस करके, उन्होंने ऐसा रास्ता निकाला कि आज उनका मुल्क जो है मिसाल बना हुआ है, हम उनको देख रहे हैं, वो हमको देख रहे हैं और एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि उन्होंने कहा था कि जो एक्सपीरियंस हमारा है हम शेयर करेंगे, आप हमसे शेयर करिए। तो उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने दो चीज़ों को बैलेंस किया और जो पावर्स थे इस लाइन पे एक्सट्रीम जाने वाले उनको कंट्रोल किया। वो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को आपको कहीं ना कहीं आयरन हैंड इस्तेमाल करना पड़ेगा कि जो नई नस्ल को मिसलीड कर रही है। तो वो उसमें कहीं बड़ी हद तक कामयाब रहे, हालांकि उन्हें कुछ झटके लगे, कुछ नुकसान हुआ, कहीं ना कहीं हमले हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको कंट्रोल कर लिया, वो एक बहुत अच्छा साइन था। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने सिस्टम, उन्होंने जो बनाया है गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है, चाहे वो मज़हब की मिनिस्ट्री हो या सोशल एक्टिविटीज़ की हो, तो वो कहीं ना कहीं उसको कुछ पैमाना तय कर रखा है, तो वो एक लिमिट पार नहीं कर पाते, उससे कोई कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होता है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, उनके मिनिस्टर ने कई बातें कहीं जो हम लोग के सामने चौंकाने वाली थी। बहुत सारी चीज़ें उनके बेसिक्स में जो हैं, जो बेसिक्स में आ रही हैं। तो इस सिलसिले में जैसे हमारे इंडिया के जो स्कॉलर्स थे, देखिए उन्होंने एक दो बातें बहुत अच्छी कही, जैसे हमारे नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि मजहबी रवादारी जो है उसको सिलेबस का एक सब्जेक्ट बनाना चाहिए, है ना, एजुकेशनल जो सिलेबस है उसका सब्जेक्ट बनाओ, तो बच्चा जब शुरू से तालीम पाएगा तो फिर उसकी ग्रोथ वैसे ही होगी। क्योंकि हम ऊपर ऊपर कुछ भी करते रहें, जब तक हम नीचे से जो पौधा बन के ऊपर आ रहा है उसको जब तक चेंज नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी चीज़ें दोनों साइड से एक्सचेंज हुई हैं इसमें, और जो इंडियन स्कॉलर्स थे उनके लिए भी ये एक्सपीरियंस नया था। मेरे ख्याल में इंडियन गवर्नमेंट की जो पहल है या हमारे जो कौमी सलामती मुशीर हैं अजीत डोवाल, उनकी जो पहल है ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक ऐसे वक्त में जब मुसलमान भी इस्लामिक स्कॉलर की तरफ नहीं देख रहा है, क्योंकि आज व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे आने के बाद हर आदमी खुद को स्कॉलर समझता है, उस वक्त गवर्नमेंट इस बात को जोर दे रही है कि इस्लामिक स्कॉलर्स की बहुत वैल्यू है। तो इसको तो हमको भी सोचना पड़ेगा कि हमारे जो उलमा हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करो, क्योंकि वो अच्छी बातें कर रहे हैं तो आपको फॉलो करना है। तो हमको कहीं ना कहीं इस बात को, जिस बात को गवर्नमेंट हमको रियलाइज़ करा रही है, हमको भी रियलाइज़ करना पड़ेगा कि उलमास का कोई रोल रहा है जो हमने खुद कहीं इग्नोर कर दिया है। हम किसी और को ब्लेम ना दें कि हुकूमत ने कर दिया है, हम हुकूमत को याद दिला रही है। तो ये चीज़ अभी शुरुआत है, पहला कदम है, और मेरे ख्याल में ये एक सही डायरेक्शन में पहला कदम है जी। देखिए अहम बात यह है कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो उसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के नाम पे अगर आप मुस्लिम नुमाइंदगी की बात करें तो बिल्कुल नेगलिजिबल है, ना के बराबर हो गई है। ऐसे में उलेमाओं का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। कल आपकी मदनी साहब से भी बात हुई और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में भी उलेमाओं का पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। तो इसका मतलब इन पूरे जो उलेमा इकराम थे हिंदुस्तान के, वो उस पूरी जो मीट रही उसमें इन्वॉल्व थे, वो अपने उन्होंने एक्सप्रेस किया कि वो क्या चाहते हैं, और फिर क्लोज़ एक उनके इंटरेक्शन भी हुआ जो कि क्लोज डोर था, उसमें हमें पता नहीं लग पाया अंदर इंडोनेशिया और इंडिया के जो उलेमा इकराम थे और जो वहाँ के और मजहबी लीडर्स थे इंडिया के और वहाँ के, उनके बीच क्या हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि उलेमा जो हैं वो चाहते हैं इवॉल्व होना, इंडिया का वक्त के साथ बदलना, लेकिन कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं जो उनको रोक लेते हैं? जब मदनी साहब से मैंने ख़ास तौर से तब बात करी जब उनके जो कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्टर थे जिनका नाम ले रहे थे मोहम्मद महफूज, तो वो उन्होंने कहा था कि हमारे जो पॉलिसी है, जो
देश की जो पॉलिसी वो हम जब बनाते हैं तो उलमाओं का जो दूसरे धर्मों के जो लोग हैं हम उसको उनको शामिल करते हैं उस पॉलिसी में, नंबर एक। जो दूसरा महत्वपूर्ण काम वहाँ हो रहा था कि नए सिरे से कुरान को समझने की कोशिश की जा रही है कि जिस आयत को लेकर के आतंकवाद फैलाया जाता है तो उस पर नए सिरे से काम लोग वहाँ के लोग कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि जो जो आयत जिसका वो जिक्र करते हैं वो किस पहलू में किस सिचुएशन में किसके लिए आया था, वो सिचुएशन बदल गया है जी। तो इसी मुद्दे पे हमने उनसे बातचीत करी थी और हमने उनसे पूछा था कि यहाँ के उलमा भाईचारगी पे किस तरह से काम कर रहे हैं, पॉलिसी में उनको शामिल किया जाए नहीं। तो उनका जो रिएक्शन था वो यही था कि वो भाईचारगी के लिए काम कर रहे हैं लगातार, और अगर सरकार कहेगी कि सर देश के फलाह के लिए, बहुदी के लिए, विकास के लिए अगर वो हमारे सेवा लेना चाहती है तो हम स्वागत है, हम हमेशा तैयार हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है उसमें हमको लगता है कि उलमाओं के फिर जो रोल रहा है वो कहीं ना कहीं फिर हमें देखने को मिलेगा। एक बहुत अहम बात ये थी कि जो इंटरप्रिटेशन की बात की, जैसे अभी हाशमी साहब ने कहा कि कॉन्टेक्स्ट में हर चीज़ देखती है, जो जो सूरा या जो आयतें उस वक्त की हैं जब इस्लाम शुरू हुआ था या इन्वॉल्व हुआ था, वो वक्त के साथ साथ कॉन्टेक्स्ट बदलने के बाद उनको हमें देखना है। कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन जाहिर बात है नहीं हो सकता कुरान शरीफ, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक ज़रूरत है, क्या इस बात का एहसास हुआ कि जो इस्लाम की असली जो 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 पहल थी, जो ओरिजिनल इस्लाम था, उससे वक्त के साथ साथ काफ़ी भटक गया, उसमें तशद्दुद और ये सारी चीज़ें आई और फिर एक इस्लाम को एक बुरी नज़रों से एक तरह से देखा जाने लगा कि टेररिज्म एक्सट्रीमिज़म से ज़्यादा ये जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बात निकल के आई कि हमें ओरिजिनल जो जो टॉलरेंस है इस्लाम में, जो उसमें पूरी दुनिया में शुरू में जब इस्लाम फैला था उस वक्त था, जो ओरिजिनल उसकी जो क्वालिटीज़ थी, जो आज की मॉडर्निटी जो पोस्ट मॉडर्निटी है उसको भी रिफ्लेक्ट करती हैं, उनको उन पे जाने की ज़रूरत है वापस। नहीं आदिर साहब, इस बात इस्लाम को बदलने की नहीं हो रही है, मेन है कि जो लोग मिसलीड हुए हैं, जो इस्लाम के नाम पे मिसलीड हुए हैं और जो मिसलीड कर रहे हैं दूसरों को, उनको चेंज करने की ज़रूरत है या उनको हटाने की ज़रूरत है, और उनका जो असर है, चाहे वो किसी भी असर से ताल्लुक से हो, वो मीडिया से हो, सोशल मीडिया से हो, उस असर को ख़त्म करना है, उसको मुकाबला करना है, तब आप जाके एक जनरेशन को सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो इस्लाम जो ऐसा पहला था वैसा ही अब है, हम उसी इस्लाम को वापस। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें डिस्टॉर्शन सेट इन हो गई, मैं ये नहीं कह रहा। हाँ बिल्कुल, वही जिन लोगों ने किया है, जो एलिमेंट्स करते हैं ना, उसको इंडोनेशिया ने कंट्रोल किया, जैसे कई कंट्रीज हैं जिन्होंने उसको कंट्रोल किया है, तो आज हम उनकी तरफ देख रहे हैं या उनसे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही चीज़ हमें करनी है। खासतौर से ये काम सरकार नहीं कर सकती, ये काम खुद मुसलमानों को ही करना पड़ेगा, हम ही में लोगों में से लोगों को निकलना पड़ेगा, उसको उनको लीड करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया आने के बाद ये चीज़ प्रोपेगेंडा जो है ये आप आउट ऑफ कंट्रोल है, इसका आप अगर उसी लेवल पे आके मुकाबला नहीं करिएगा तो पीछे रह जाइएगा। इस्लाम का मसला ये है कि आप जी, इसमें जोड़ना चाह रहा था कि इन्हीं के आगे बात को बढ़ाना चाह रहा था कि उन्होंने जो कहा कि नए सिरे से हम कुरान को ला रहे हैं, और वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लेख के ज़रिए उन्होंने बताया, जो गजाली साहब थे उनके वो आलिम जो थे तो वहाँ से आए थे स्कॉलर, उन्होंने कहा था कि लेख के ज़रिए, संवाद के ज़रिए, आर्टिकल के ज़रिए, संगोष्ठी के ज़रिए, वो जो असली जो इस्लाम जो वास्तविक जिसको लोगों ने मतलब अलग तरह से तस्वीर पूरी दुनिया में जो देखा, तो वो अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, और यहाँ भी वो सलाह दे के गए हैं कि स्टूडेंट को इसके अंदर जो है शामिल किया जाए, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरे जो उलमा हैं उनको भी शामिल किया जाए, इसी तरह का प्रचार यहाँ भी शुरू किया जी। आशा जी, एक बहुत अहम चीज़ ये रही कि इस पूरी कॉन्क्लेव या कॉन्फ्रेंस थी, इसमें भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल साहब का ओपनिंग रिमार्क्स थे, और उसमें उन्होंने कई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें कहीं। दो चीज़ें जो मुझे अभी याद हैं, एक तो उन्होंने जिहाद अफजाल की बात की, यानी जो जिहाद को जो डिस्टॉर्शन हो गया है, उससे लोग जो हैं उसको इस्लाम से ना जोड़ें, बल्कि जो मुस्लिम्स हैं उनको जिहाद अफजाल जो अपनी ईगो से फाइट करने का है, जो अपनी आपके इनहेरेंट जो नेगेटिविटी है उससे फ़ाइट करना है, उसके बारे में बात की। दूसरी उन्होंने बात की मिस इन्फॉर्मेशन, जो उलेमाज हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है कि जो टेक्नोलॉजी से वो अपडेट रहें कि पूरे टेक्निकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, किस तरह से कम्युनिकेशन फैल रही है, और उस तरह से प्रोपेगेंडा जो है
उसको कैसे काउंटर किया जाए, मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन उसको कैसे काउंटर किया जाए, तो इस मैसेज को आप कैसे देखती हैं, इसका क्या एक असर आपको हमें उम्मीद कर सकते हैं होगा इसके? देखिए मोटे तौर पर अगर हम सोचें कि मिस्टर अजीत डोवाल जो हैं ही शुड बी ओनली कंसर्न विद द सिक्योरिटी, लेकिन सिक्योरिटी जब आप देखें मुल्क की तो उसमें सोसाइटी आती है, सोसाइटी में क्या हो रहा है उसके रिपरकशंस है, फिर टेक्नोलॉजी है जो आज है वो एक एनेबलर है, सोसाइटी को ख़राब भी कर सकती है, सोसाइटी को सही राह पे भी ला सकती है, तो सिक्योरिटी का दायरा जो है बहुत वाइडन हो गया है। और जो मिस्टर डोवाल हैं वो इतने वेटरन हैं, इतने बड़े, उनका इतना तजुर्बा है कि वो इंटरनेशनल सीन समझते हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने इंडोनेशिया ही क्यों चूज़ किया, तो मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी क्यों इंडोनेशिया, क्यों एक कोई और देश नहीं। हमारे और इंडोनेशिया में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, और जहाँ तक कि हम भी कॉलोनियल पावर थे, वो लोग भी कॉलोनियल पावर थे, उनको डच से आज़ादी मिली, हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, उसके बाद हमने जो हमारा फिर रास्ता थोड़ा बदल गया, हमने जो हमारी कोएग्जिस्टेंस है, जो हमारी यूनिटी है उसको फॉर ग्रांटेड ले लिया, हमने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। लेकिन अगर इसके बरक्स आप इंडोनेशिया का देखें, उन्होंने इन सब चीज़ों को, इन सब जो टेनेंट्स हैं उनको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। फॉर एग्जांपल उनका जो नेशनल फ्लैग है उसमें उनका नेशनल एम्बलम है जिसका मतलब वो इंडोनेशियन लैंग्वेज में है, उसका मतलब यह है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पंचशिला जो उनका एक है, नो समथिंग एल्स इज देयर, तो वो गरुड़ के ऐसे हाथ में ऐसे पकड़ा उसने, तो उन्होंने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, उन्होंने कहा हम धर्म मानते हैं, यहाँ तो कहते हैं कि हमारी स्टेट जो है वो कहती है धर्म सब अपने अपने हैं, हमें धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, हम सबकी इज्जत करते हैं, वहाँ उन्होंने कहा नहीं, पांच या छह धर्म हैं उनके, हम इनको मानते हैं। फिर उन्होंने एक सरकार जो है एकदम बिल्कुल डिसोशिएट नहीं होगी धर्म से, उन्होंने धर्म का मंत्री भी रखा उसके लिए वहाँ का ब्लास्फेमी लॉ है, और माइंड यू ब्लास्फेमी लॉ सिर्फ इस्लाम को कवर नहीं करता है, वो सारे पांच से छह रिलीजन को कवर करता है, कि एक तरह से कोई किसी दूसरे रिलीजन के बारे में जो पांच या छह रिकग्नाइज्ड रिलीजन है आप ये बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को, जो कि बहुत ज़रूरी हो गई, हम उनकी बात करते हैं, हम उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं हिंदुस्तान में कि हमारी जो रवादारी रहेगी, हमंगी रहेगी, वो हमेशा रहेगी, ऐसा हो कि रहे, लेकिन उनको हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, हमें भी कहीं ना कहीं उनसे सीख के उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया, और वो मुझे जो उनसे बात करके ये लगा कि वो मसलों को दबाते नहीं हैं, मसलों को वो डील करते हैं, उनको टैकल करते हैं, और उनका सिस्टम बना हुआ है उसके लिए। अगर कोई दो ग्रुप्स के बीच में झगड़ा हो गया, मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी, हमारे एम्बेसडर जो वहाँ रहे हैं, क्योंकि जो इंडोनेशिया से लोग आए थे उनकी थोड़ी अंग्रेजी थोड़ी डिफरेंट थी, उनसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल था, तो हमारे जो एम्बेसडर थे, मैं दो तीन लोगों से बात किया वहाँ पे, उनका कहना है कि जब जैसे से क्रिश्चियंस और मुस्लिम जो झगड़ा हो गया, तो वहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वहाँ हिंदू पुलिस वाला जाएगा, कितनी बड़ी बात है, यू नो इट्स लाइक दैट। तो उनसे हमें काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और व्हाट अ थॉटफुल प्रोसेस इट वाज उनका इंडोनेशिया का सिलेक्शन करना, और हमें उनसे सीखना, वो भी शायद कुछ सीख के गए हमें। टेक्निकली देखें तो ना ही वो इस्लामिक कंट्री ना ही सेक्युलर कंट्री है, बट ऑन द रिकॉर्ड इट्स अ सेक्युलर कंट्री, बट प्रैक्टिकली दे एम्ब्रेस रिलीजन, बट पाँच या छः, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, पाँच या छः कुछ ऐसे उनको एम्ब्रेस करते हैं, उनके बारे में लॉ बने हैं, उनके बारे में कॉमन लॉज हैं, झगड़ा दो करोगे तो तीसरा तुम पे इमीडिएट करेगा, तो वो रिलीजन को देखिए, सेकुलरिज्म के अलग अलग मीनिंग है, एक है कि बिल्कुल ना ताल्लुक ही रख देना, भाई स्टेट का कुछ लेना देना, यहाँ स्टेट कहती है हम मानते हैं रिलीजन को, हम पांच रिलीजन को माने, इनमें जो गड़बड़ होगी, जो झगड़ा होगा, जो डिस्टॉर्शन आएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, तो मतलब एक तरह से उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और कंट्रोल भी है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अब ये अच्छा है कि नहीं है, लेकिन वो अपनी देखिए वहाँ भी बाली बॉम्बिंग्स हुई थी, आपको याद होगा, और वहाँ भी मैंने काफ़ी खंगाला प्रेस में, तो वहाँ भी थोड़ा रेडिकलाइजेशन, टेररिज्म बढ़ रहा है, रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, जो इंटरनेट है, सारे जो मुल्क है जहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन है, मतलब बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं,
वहाँ ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन वो दावा करते हैं कि उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। हाँ, उन्होंने कर लिया। देखिए बाली बॉम्बिंग के बाद हमने कोई दूसरी बॉम्बिंग नहीं सुनी जी जी। तो इसका मतलब उनके पास कुछ है जो हमारी सिस्टम को, हमारे समाज को और हमारे गवर्नमेंट को सीखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही समझदारी से चयन किया हुआ इंडोनेशिया था। द इंटरेक्शन इज गोइंग टू हेल्प बोथ कंट्रीज जी। एक एक बहुत ही सटीक जिसको मॉडल कह सकते हैं। कई सारी समानता है हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के बीच में, और आज पूरे प्रेस में इस बात की चर्चा है जो कॉन्फ्रेंस हुई है। उम्मीद करते हैं इस तरह की और भी कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी हिंदुस्तान में, इंडोनेशिया में, दुनिया के और देशों में, ताकि ये दो जो देश हैं, भारत और इंडोनेशिया, इन दोनों की कई समानताएं जो हैं और जो सोच है उसको आगे बढ़ाया जा सके और एक प्रोग्रेसिव जो फॉरवर्ड लुकिंग सोसाइटी की तरफ हम लोग बढ़ सकें। शुक्रिया, आदाब।